बड़े बड़े अमीरों के कर्जे माफ कर देते हैं, ये गरीब किसान का माफ नहीं करते, वो आत्महत्या कर जाता है, खेती छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। दिसंबर 2021 में किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा था कि देखिए, अगर आप अपने वादों पर खरा नहीं उतरते तो हम दिल्ली वापस आएंगे। आज मैं दिल्ली के रामलीला मैदान पे हूँ, जहाँ पे हजारों की संख्या पर किसान वापस लौटे हैं। यहाँ किसान नेता भी हैं जो अभी केंद्र सरकार से मिलने के लिए गए हैं, ताकि बातचीत के जरिए कुछ रास्ता निकाला जाए। यहाँ पर आए कुछ किसान नेताओं और किसानों से हमने बात की है, उन्हें सुनी होंगे। किसान महापंचायत के तरफ से पूरे भारत के लोग आए हैं, हर राज्य से आए हैं। हालांकि हम बिहार से आए हैं, बिहार के बहुत लोग साथी आए हुए हैं। हम तो आदिवासी लोग हैं, जंगल झाड़े में रहते हैं, हम जमीन समान करते हैं। जंगल हमारा बाप है, धरती हमारी माँ है। हम दिल्ली तक पहुँच गए तो हमारी बात वो सरकार सुनने पाए, ऐसा हमारी मांगनी है, इसीलिए हम दिल्ली तक पहुँचे हैं। एक एकड़ में 3 क्विंटल के आसपास जो है सरसों हुई है, 3 क्विंटल के आसपास, जिसमें ये लगा लो 15-20 हज़ार रुपये जो है उसको मिलेंगे, वो भी MSP मिले तब, वरना तो उसके 500 रुपये कम खरीदी जाती है और उसका 20 हज़ार रुपये तो खर्चा ही हो जाता है, तो उसको कोई फायदा नहीं है, वो घाटे में है इस समय। तो इसलिए MSP का जो सवाल है, जो C2+50% जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, वो जब तक नहीं मिलेगा किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं। हम इसलिए आए हैं यहाँ कि जैसे मान कर चलिए किसान हमारे आत्महत्या हो गए, 750 किसान, उनका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। दिन पर दिन हम लोग बिहार में मंडी जो किसानी व्यवस्था है वो दिन पर दिन एकदम बिगड़ाता जा रहा है। हम लोग खुद किसानी है, किसान करते हैं, सही से दाम नहीं मिलता है, समय से जो है खाद नहीं मिलता है। लोन वेवर जो है इसलिए हुआ है क्योंकि हमें MSP नहीं मिला है और हमारे कर्जे की जो शर्तें हैं उसमें गड़बड़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पेनल्टी लग जाती हैं, इसलिए सरकार को एक कर्जे की कानून बनाना चाहिए। जो हमने पार्लियामेंट को दिया था जब हम AIKSCC में थे, वो बिल का ड्राफ्ट अभी भी पड़ा है पार्लियामेंट में। हम ये मानते हैं कि किसानों ने अपनी फसलों के ऊपर जो घाटा अभी तक खाया है उसकी पूरी रकम वो है जो हमारा कर्ज जो है उससे कहीं ज़्यादा है, तो एक बार किसान का कर्ज जो मुक्ति कर दिया जाए, उसके बाद एक कानून बनाया जाए और कर्ज देने का जो तौर तरीका है वो बहुत सॉफ्ट शर्तों के ऊपर होना चाहिए, सॉफ्ट वो उसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए। और कर्ज भी जो है हमारा तो ऐसे ही कहते हैं कि जो खेती के लिए यूज हुआ कर्ज है, अगर किसी ने मकान बना लिया है, अगर किसी ने बिजनेस में लगा लिया, उसका कर्ज हम खेती में लगे हुए लोन को माफ किया जाए। जो किसान दूसरे की जमीन लेकर के जोतता है, खुद भूमिहीन है, 20 हज़ार रुपए तो प्रति एकड़ उसको किराया देना पड़ता है, और जो जहाँ पानी की अच्छी मात्रा होती है, जो उपजाऊ जमीन है, वहाँ तो 30 हज़ार रुपये किराया देना पड़ता है उसको। तो किराए वाले किसान को तो कोई फायदा नहीं है, वो तो बुरी तरह घाटे में है, और जिसकी अपनी जमीन है वो भी घाटे में है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा से उत्पादकता गिर गई है, आधी से भी कम रह गई। देखिए, वो बस खाने के लिए हो जाए उतना ही, मतलब जिसका मध्यम परिवार हो, 8 लोग 7 लोग, आप बताइए कि 1 कट्ठा में उनको कितना आदमी भोजन दे सकता है। खाने के लिए हो जाए उतना ही काफ़ी है, और बेचने के लिए आदमी तो बड़े बड़े किसान हैं, अभी आप वो बेच रहे हैं, अभी मध्यम वर्ग के भी किसान हैं वो भी बेच रहे हैं, सही दम से दाम नहीं मिलता है। किसान बुरी तरह से घाटे में है और उसको MSP C2+50% नहीं मिलेगा, वो आने वाले टाइम में खेती छोड़ देगा, ये शहर के लोगों को समझना चाहिए। और उत्पादन की, अन्न की इतनी कमी हो जाएगी, लोगों को भूखा मरना पड़ेगा और बड़ी भारी कीमत पर अनाज मिलेगा, तेल मिलेगा, जो भी किसान पैदावार करता है। इसलिए खेती के प्रति सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। AP हो और पंजाब हो और हरियाणा हो, पूरा किसान लोगों को एक ही है, वो उसको क्रॉप वाला को मदद दरा देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म करने वाले हैं वो किए जाएं, किसान का ज़्यादा प्रोडक्शन में खर्चा ना हो, जिसमें हमारा आपके जरिए कहना चाहता हूँ
कि छोटे और मझले किसानों पे कोऑपरेटिव बना के खर्चा कम किया जाए, सरकार उसमें इनपुट करे और अल्टीमेटली किसान जो है कर्जे से बाहर। देखिए, ये सरकार की अठधर्मिता है, वायदा खिलाफी है। कुछ विषय तो ऐसे हैं, सरकार ने वायदा किया था कि आपसे बात किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे और सरकार ने पार्लियामेंट से पास करा दिया बिजली बिल, तो सरकार पूरी तरह से इग्नोरेंस पे है और सरकार ही टकराव के मूड में है, तो हमारे पास तो विकल्प है नहीं, हमको तो आमने सामने होना ही पड़ेगा और वो समय आ गया। फास्ट फेज का जो आंदोलन था, जिस 380 दिन दिल्ली घेरा था किसान, उसके बाद मोदी गुट ने टेके थे, 3 काला कानून वापस लिया, मगर हमारा बाकी मांग स्वीकार नहीं हुआ था। हम बोला था बाकी मांग नहीं विचार करो कि हम नहीं जाएंगे। फिर 19 नवंबर के बाद 9 दिसंबर सरकार हमको लिखित रूप में बताया कि हमारा मांग विचार करेंगे। उसके आधार पर 11 दिसंबर हम आंदोलन के सामूहिक रूप से बंद किया था दोबारा, मगर हम आज 14 महीना हो गया चिट्ठी का बाद, सरकार सो रहा है उस पर। ये तो एक भयानक बेईमानी है। किसान आलू 2 रुपया, प्याज 2 रुपया, किसान खुदकुशी बढ़ते जा रहा है, किसान के अंदर गुस्सा है, इसलिए हम बोला ये नहीं चलेगा, आंदोलन दोबारा शुरू करना है। हमने एक शब्द पाया है कर्जा माफी के लिए, असमर्थ किसानों का कर्जा खत्म किया जाए। असमर्थ का शब्द है, जो भर नहीं सकते, वो किसी हालत में, फर्ज करो कोई बड़ा किसान है, उसको बालू की फसल लगा दिया, उसमें मार पड़ गया, उसको रेट नहीं मिला, सारा फेंकना पड़ गया, उसको कर्जा चढ़ गया, तो उसका भी माफ होना चाहिए। वो बहुत सारी ज़मीन है उसके पास, लेकिन ज़मीन उपजाऊ नहीं है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, उसको माफ़ होना चाहिए। इसलिए ऐसा असमर्थ शब्द अपने बीच में जो रखा है वो छोटे किसान। 3 कानून तो ज़रूर वापस हुए, लेकिन जो नीतियां हैं इस सरकार की, मोदी सरकार की, कारपोरेट परस्त नीतियां हैं और आज तक की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी और कृषि विरोधी सरकार ये साबित हुई है। तो जब तक नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक किसान का गुस्सा कम नहीं हो सकता और वो इकट्ठा होता चला जाता है, चाहे वो फिर कर्जे के रूप में हो या जैसे भी। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति हो। प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं, आप अपने मन की बात कहिए कि आपके मन में क्या नहीं। हम लोग को मन में यही है कि जो भी किसान भाई हैं उनका उचित दाम लिया जाए, जो खरीदारी है और जो उन लोग पर कर्ज है वो कर्ज को माफ कर दिया जाए। वो तो बूढ़े माए बाप हो जाते हैं जब इसको, तो खेती कर करके मरते है, फिर वो जो बूढ़े होते हैं इसके लिए तो पेंशन चाहिए ना, अपने 2 पैसे आएंगे, जरे वो लड़का लड़की नहीं होंगे, जब भी अपनी पेंशन लागू होंगे तब खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे वो छेद के रही भाई। दावे से कहता हूँ कि आज हमारे किसान जो हैं SKM की कॉल को फॉलो करते हैं, अगर हम कल को कॉल देंगे कि पूरे देश को एकदम जाम कर दो, 3-4 महीने की तैयारी के बाद ये भी हो जाए। मुक्ति की बात इस रूप में है कि आप लागत मूल्य घटाएं और जो बिक्री का मूल्य है वो बढ़ाएं, और वो तभी संभव है जब आप कानूनी गारंटी देंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो C2+50% के हिसाब से। सारे देश को किसान पेट भर रहे हैं, सारे जनता को भर रहे हैं, लेकिन किसान को सरकार पेट नहीं भर रहा है, ना तो उनका कर्ज माफ कर रहा है, ना बिजली बिल 2020 में जो लिया गया है उसको भी नहीं कैंसिल किया गया। हर किसान को हर एकड़ जमीन पर 50,000 का नुकसान होता है, निश्चित दाम अगर मोदी जी कर दें तो हम लोगों को फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मोदी जी नहीं सुन रहे, इसीलिए तो हम आंदोलन पे बैठे हैं।